प्रथम तहलका न्यूज। कुमाऊं के जंगलों में हाथियों की मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है और प्रशासन इन सब को रोक पाने में असफल साबित हुआ है। तो वहीं एक बार फिर से जंगल में एक तस्कर हाथी का शव बरामद हुआ, जिसके बाद से प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। हल्द्वानी के तराई पूर्वी वन प्रभाग के मोटा हल्दू क्षेत्र के जंगल में तस्कर हाथी का शव पाया गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घटना स्थल का मुआयना किया और मृतक हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक हाथी की 50 वर्ष के आसपास बताई जा रही है और बीमारी के चलते हाथी की मौत का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही हाथी की मौत के कारणों का पता चल पाएगा। आज सुबह प्रातःकाल, आज तारीख है आपकी 8 तारीख को, सुबह प्रातःकाल गश्ती के दौरान हमारे स्टाफ को यहाँ पर एक मृत हाथी देखा। ये गोला रोकड़ गेट नंबर 7 गोरापड़ा बीच है। एक नर हाथी, इसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है, मृत पाया गया है। और ऐसा कोई भारी जो आवरण एग्जामिन करने पर ऐसा कोई संदेहास्पद चीज़ नहीं मिली है और लगभग 50 वर्ष का हाथी है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसको बीमारी है, पेट बीमारी है, आंतों को देर से लग रहा है कि बीमारी है। अब क्या करें, रिपोर्ट पाने रिपोर्ट आने के बाद इसकी पूरी जांच पता चल जाएगी। सर नर है मादा? सर बता दीजिए, नर है। इससे पहले सर क्या कभी कब हुआ थी, लास्ट टाइम कब हुई थी हाथी की मौत कोई आपके? लास्ट ईयर हुई थी एक हाथी की मौत यहाँ आपके बच्चे धर्मा के हाथी तोड़े। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में एक साल पहले भी हाथी की मौत हुई थी। तस्कर हाथी गोलापार और उसके आसपास के जंगलों में पाए जाते हैं, जो अक्सर जंगल से आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रामीणों ने कई बार वन विभाग को शिकायत देते हुए हाथियों के आतंक से निजात दिलाने की गुहार लगाई थी, तो वहीं अब हाथियों की अचानक मौत की खबरों से प्रशासन में हड़कंप मचा है। विसरा को जांच के लिए IVRI बरेली भेज दिया गया है। अब इस मामले में प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रथम तहलका के लिए हल्द्वानी से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।